माता पिता के बीच अनबन से परेशान होकर एक 16 वर्षीय युवती ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल इस झगड़े के दौरान उसने अपने कमरे में जाकर खुदकुशी कर ली। अजनी पुलिस स्टेशन अंतर्गत चौंका देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां महज 16 वर्षीय युवती ने माता पिता के बीच हो रही बहस से तंग होकर खुदकुशी जैसा भयावह कदम उठा लिया। मृतका के पिता निजी काम करते हैं और माता गृहिणी है। 8 मई की रात जब मृतका के पिता काम से घर लौटे तो दोनों पति पत्नी में किसी कारणवश अनबन होने लगी। मृतक युवती ने माता पिता दोनों को समझाया कि ना लड़े, बाहर आवाज जा रही है। कुछ देर बाद वो वहां से उठकर रूम में चली गई। काफी देर बाहर ना आने के बाद माँ ने जब खाना खाने के लिए उसे बुलाना चाहा तो उसने दरवाजा नहीं खोला। जब दरवाजा तोड़कर देखा गया तो बड़ी अनहोनी हो चुकी थी। उस 16 वर्षीय युवती ने तनाव में आकर खुदकुशी कर ली थी। अक्सर माता पिता आपसे विवाद बच्चों के सामने करने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये खबर नहीं होती कि इसका परिणाम उनके बच्चों की मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। माता पिता की अनबन के चलते आज एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे कई मामले आए दिन देखने को मिलते हैं। इसलिए पुलिस विभाग ने नागरिकों से खास अपील की है कि बच्चों के सामने इस तरह की स्थिति पैदा ना करें जिससे वो इस तरह के कदम उठाने को मजबूर हो जाए। NBCN न्यूज चैनल भी खबर के माध्यम से यही अपील करता है। अजनी पुलिस थाने में एक एक्सीडेंटल डेथ दाखिल किया है हमने 8 तारीख को। उसमें हकीकत यह है कि लड़की एक 16 ईयर्स की लड़की है जो 11वीं में पढ़ती है। लड़की के माँ बाप, उसके पिताजी प्राइवेट वर्क करते हैं और उसकी माँ हाउसवाइफ है। लड़की उस दिन वो उसके पिताजी बाहर से काम से आए थे और मियाँ बीवी में थोड़ा सा नोकझोंक हमेशा होती रहती है। तो उस दरमियान वो लड़की ने वो उसने बताया मम्मी पापा को क्योंकि आप झगड़ा मत करो, बाहर भी आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा उस टाइप का मैटर घर में हुआ। तो बच्चे ने, लड़की ने, 16 इयर्स लड़की ने थोड़ा सा उसके मन में वो शायद उसको वो बात बुरी लगी या और कुछ बात हो गई, उससे वो उसमें तनाव में आके उसने घर में अंदर चली गई अपने बेडरूम में। और मम्मी पापा को उन्होंने सहज तरीके से लिया कि लड़की अपने रूम में है। जब लड़की के माँ को लगा भी खाना खाने का टाइम हो गया तब उसकी मम्मी उसके रूम में गई, तब उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा गया कि लड़की ने सुसाइड किया है। तो ऐसी घटना हुई है 11वीं में पढ़ने वाली बच्ची ने सुसाइड किया। तो मुझे जनता से यही बात थोड़ा सा बोलना है कि एटलीस्ट ये ध्यान रखिए माँ बाप कि अपने जो बच्चे रहते हैं उनके सामने से थोड़ी सी नोकझोंक कम करें, जो भी है थोड़ा सा समझदारी से लें, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, कोई भी बात को लेके वो थोड़ा सा परेशान होते हैं और ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही है। तो यही मैं थोड़ा सा जनता से अपील कर रही हूँ। धन्यवाद। NBCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।